अस्सलाम वालेकुम अभी भी 5 लाख डाउन पेमेंट एंड 1% मंथली ईएमआई में खुद का घर, वो भी एमएम वैली में। एमएम वैली मतलब मुमरा का नया लोखंड वाला। और इधर आपको ग्राउंड प्लस 7 का विंग मिलेगा, जिसके नजदीक आपको स्टेडियम मिलेगा, आपको कॉलेज मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा और बहुत सारी एमिनिटीज वॉकिंग डिस्टेंस से मिलेगी। यहाँ का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 1% मंथली ईएमआई में टीएमसी में रेरा अप्रूव्ड में खुद का घर मिलेगा। हमारा पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है, प्लीज इसका बेनिफिट उठाइए। आपने परमिशन लिया है और आप यहाँ पर किसी का और भी भंडार या और भी कोई चीज लगने नहीं देंगे। अगर शैतान आने वाला है तो बता दो, शैतान को भगाने की भी तैयारी है इंशाल्लाह इस बार तो। 11 महीना 25 दिन कहाँ है, कौन है, क्या है, मुझे पता नहीं। आने वाले 18 और 19 नवंबर को छठ पूजा है और मुमरा के शंकर मंदिर तालाब की साफ सफाई को लेकर काम शुरू किया गया है। शंकर मंदिर तालाब पर अपने तमाम महिला कार्यकर्ताओं के साथ रीदा रशीद पहुंची और दीवार के कलर और पानी की साफ सफाई को लेकर यहां पर काम शुरू किया गया, जिसकी आज पूजा अर्चना भी की गई है। आपको बता दें कि पिछले साल भी शंकर मंदिर तालाब में सीढ़ी बनाने को लेकर एनसीपी पार्टी और रीदा रशीद दोनों के बीच में जमकर विवाद हुआ था। एनसीपी के तरफ से और रीदा रशीद के तरफ से भी कहा गया था कि आने वाले दिनों में तालाब में सीढ़ी बनाकर दिया जाएगा, मगर एक साल का वक्त गुजर गया, ना ही एनसीपी और ना ही रीदा रशीद दोनों ने तालाब में सीढ़ी नहीं बनाई। लेकिन अब एक बार फिर शंकर मंदिर तालाब सुर्खियों में है। रीदा रशीद आज शंकर मंदिर तालाब पर पहुंची और यहां पर तालाब के दीवार की कलर और पानी की साफ सफाई को लेकर यहाँ पर पूजा अर्चना की गई और कहा कि आने वाले छठ पूजा की तैयारी शुरू की जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि रीदा रशीद ने यहाँ पर परमिशन ले रखा है और दूसरे पार्टियों का यहाँ पर पंडाल लगेगा या नहीं लगेगा, ये एक सवाल बना हुआ है। तालाब के काम को लेकर रीदा रशीद ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। उद्घाटन किया है, क्या चीज का उद्घाटन था, क्या बताएंगे? सभी को सलाम अलैकुम, नमस्कार, जय भीम। आज बहुत खुशी की दिन है कि आज से हमने छठ पूजा की तैयारी चालू की है। कुछ तैयारी हो चुकी है पहले, लेकिन तालाब को कलर करना या तालाब का साफ सफाई, तो इस बार सभी बहनें मिलकर ये काम करेगी और छठ पूजा की तैयारी करेगी, तो ये बहुत खुशी की बात है। क्या अभी इस बार सभी लोगों का हाथ लगेगा मेरे साथ और सभी लोग खुशी खुशी से हम लोग छठी मैया के दिन का 19 तारीख का राह देख रहे हैं, तो बस आज उसी का शुरुआत की है हम लोग ने। मतलब क्या चीज़ का शुरुआत हो रहा है, क्या प्रोग्राम है, क्या बताएंगे? 19 तारीख को छठ पूजा की प्रोग्राम है, जो उत्तर भारतीय बिहारी के हमारे लोग, हमारी खास करके हमारी बहनें 3 दिन का उपवास रखती है और 3 दिन के उपवास के बाद एक दिन पहले शाम को भी आती है तालाब पे और नेक्स्ट 20 तारीख के मॉर्निंग सुबह भी आएगी और अपने जल में खड़े रह के उनका जो पूजा का जो निधि सब करना है वो करेगी, तो बस उसी की तैयारी है। और इस बार सभी सब मिलजुल के कर रहे हैं। सीढ़ी बनाने को लेकर काफी विवाद था पिछले साल, ना आपने इस साल तालाब में सीढ़ी बना कर दिया और ना ही दूसरे तरफ से वादा किया गया था, ना ही उन्हीं लोगों ने बना। मतलब महिलाएं ये चीज से भी थोड़ी नाराज थी? महिलाएं नाराज तो कोई नहीं है, है क्या कोई? नहीं है, हमारे कामों से तो नहीं है। हम लोग सभी नाराज हैं कि लास्ट टाइम जैसे आपने कहा कि कुछ लोग सीढ़ी बना के देने वाले थे, कुछ निधि का बात हुआ था, लेकिन मुझे लगता है ये सब बातें तो करनी भी चाहिए, मुझे नहीं भी करनी चाहिए, क्योंकि हमारा खुशी का अवसर है, तो मैं नहीं चाहूंगी वो जो लोगों ने झूठे वादे करे थे, झूठे प्रोमिसेस करे थे, वो उनकी आदतें हैं, लेकिन हमारी आदत है खुशी लाना, खुशी फैलाना, खुशी में हमारा प्रोग्राम्स करना, तो मैं उसी पे फोकस करूंगी। कौन देने वाले थे, कौन नहीं देने वाले थे, किसके बैनर लगे हैं, किसके बैनर नहीं लगे थे, किस टाइम किसने कितना जुल्म किया, किस पे किया, सभी को मालूम है, सभी लोग जानते हैं, तो मैं वो दोहराना नहीं चाहूंगी, क्योंकि आज का जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला बहुत खुशी का माहौल है और खुशी खुशी से हमने शुरुआत की है। दिन पहले यहाँ पर सीढ़ी पायरी बनाने को लेकर सुधीर भगत आए थे, लेकिन काम उनका रोक दिया गया, उन्होंने ओपनिंग भी की। अच्छा मैडम, ये भी कहा जा रहा है कि राजनीतिक अखाड़े के लिए इस्तेमाल हुआ इस जगह। अभी राजनीति, धार्मिक जगह का एक पाक जगह। हाँ, अभी
सुधीर भगत यहाँ से अभी मैंने तो देखो वो आप जैसे पूछ रहे हो सुधीर जो भी बोल रहे हो आप वो मैंने आप लोग के चैनल पे देखा था, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ था, तो जो नहीं पता उस चीज़ पे क्या मैं टिप्पणी करूं, तो मुझे नहीं पता वो क्या हुआ था, लेकिन मैंने चैनलों पे आप लोग का देखा था उतना ही मुझे पता है, जो सभी को पता है वो उतना मुझे पता है। और आपने कहा क्या बना था राजनीति, राजनीति के लिए इस्तेमाल हुआ है, राजनीति के लिए इस्तेमाल करने वाले बैनर लगाने वाले इस तरफ कोई दिखे नहीं, 11 महीना और कुछ, 11 महीना और 25 दिन ना, 5 दिन बाकी अपने छठ पूजा को, तो 11 महीना 25 दिन कहाँ है, कौन है, क्या है, मुझे पता नहीं। हमने तो कभी भी राजनीति का अखाड़ा बनाया नहीं और इंशाल्लाह बनाओगी भी नहीं। हम ये खुशी का अवसर है, इसमें खुशी मनाएंगे, इसमें कोई राजनीति नहीं। गए टाइम भी मैंने सबका स्वागत किया था, कार्यकर्ता से लेके मैंने नेता तक स्वागत किया था। इस बार भी मैं सभी को बोलूंगी, सभी को आना है, छठ पूजा का प्रोग्राम है, छठी माई का प्रोग्राम है, सभी को आना है और सभी को प्रोग्राम में शामिल होना है। कोई मान पान में कोई किसी का कम नहीं होगा। हम सभी बहनों ने इस बार जवाबदारी ली है, क्या रिधा रशीद गए टाइम अकेली थी या कुछ बहने थी, इस बार पूरी बहने आप लोग का स्वागत करने खड़ी रहेंगी। और प्लीज सभी को विनती है, प्लीज आइए और छठ पूजा में शामिल होइए। छठ पूजा के दिन कुछ कार्यक्रम भी रखे हैं आप अपने तरफ से? छठ पूजा में इस बार खुशबू उत्तम आ रही है यूपी से और सिंगर है, और पूरा जो लास्ट टाइम जैसा पूरा जो तैयारी थी उसी तरीके से होगा। बहनों के लिए, बहनों के लिए आप तैयारी तो कर रही है, लेकिन यहाँ पर क्या आपने परमिशन वगैरह ट्रस्ट का एनओसी ये सब लिया है आपने? गए 15 दिन पहले ही, लास्ट 3 महीने से मैं फॉलोअप कर रही थी, 15 दिन पहले ही मैंने पहला एनओसी लिया मंदिर का, मंदिर के ट्रस्ट का, उसके बाद पुलिस का, उसके बाद फायर का, उसके बाद ट्रैफिक का, उसके बाद कुछ वो आग वगैरह लगती है तो उसके बाटला का जो लेना पड़ता है परमिशन वो लिया, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक परमिशन हमारा 15 दिन पहले ही हो गया है। आज हमने यहाँ का काम जो सजाना है थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं थोड़ा सा सजाना है, और वो सजा के हम लोग तैयार है 19 तारीख। मतलब हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, मतलब उस कार्य का जा रहा है देखने मिलेगा, ये भी कहा जा रहा है कि आपने परमिशन लिया है और आप यहाँ पर किसी का और भी पंडाल या और भी कोई चीज लगने नहीं देंगी अभी? वो मैं नहीं जानती हूँ, वो मंदिर का ट्रस्ट जाने, मंदिर के ट्रस्टी ने मुझे परमिशन दिया है, जो मेरे से बनेगा मैं वो करूंगी और जितना हो सकेगा छठी मैया का वेलकम के लिए मैं खड़े रहूंगी और छठी मैया की जो भी उपवास रखेगी बहने उनके स्वागत के लिए खड़े रहूंगी और यही बोलूंगी छठी मैया से क्या बस जाती है सभी का उनका मनोकामना पूरी करे और बड़े शांति से हमारा ये प्रोग्राम हुआ है और होगा और कोई कुछ ना भी क्या बोलते प्रॉब्लम बोलते और शैतान आएंगे, लेकिन बस वो बैठी है और भोले जी बैठे हैं और ऊपर वाले हमारे अल्लाह भी बैठे हैं, वो सब देख, मतलब उस कार्यक्रम के पहले एक और कार्यक्रम देखने को मिल सकता है कुछ? बिल्कुल नहीं, कौन दिखाने वाला है आपको? कुछ पता है आपको? कुछ पता है तो बता दो, हम अभी से तैयारी में लग जाते हैं। हम तो हमारे छठी माया के तैयारी में है। अगर किसी को कोई पता है तो प्लीज बता दो, क्योंकि हम बहने सभी अभी से तैयारी में, अगर शैतान आने वाला है तो बता दो, शैतान को भगाने की भी तैयारी है इंशाल्लाह इस बार, और मुझे नहीं लगता है कोई शैतान आने वाला है इस बार, बड़े अच्छे से हमारा प्रोग्राम होने वाला है, तो गलत ना बोलेंगे ना ही सोचेंगे और ना ही किसी को करने देंगे, ये थामा है ना सभी ने, तो बस 19 तारीख का राह है और आज से हमने शुरुआत कर ली है, तो सभी को वापस से बोल रही हूँ सभी को आना है और छठी मैया के भक्तों के साथ वो रात हमें पूजा का है, यहाँ पर भजन भी उस रात को रखा गया है, सभी बहनों को रिक्वेस्ट करूंगी आइए, सभी को बोलूंगी, खाली उत्तर भारतीय बिहारी नहीं, सभी सभी को बोलूंगी कि आप आइए।